अनंत है, आकाश है, ब्रह्मांड है। इस आकाश को टेलीस्कोप से देखने वाले वैज्ञानिक, हिमालय में बंद आंखों से दिव्य दृष्टि से देखने वाले साधु संत, इन सबको कंफ्यूज करने वाले ब्रह्मांड के इस लॉजिक मैजिक को आज तक कोई समझ नहीं पाया। छोटे छोटे जुगनुओं की तरह चमकने वाले करोड़ों नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों में से छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है। मृत्यु के बाद हम स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, यह हमारे दादा परदादाओं के जमाने का लॉजिक है। ये स्वर्ग लोक है, आहा, जरा देखिए तो हमारे परदादाओं की कल्पना को, आहा, कितनी अद्भुत कल्पना है। एक अति सुंदर नगर है ये। इसे देखने के बाद किसी का भी मन बुरा काम करने को करेगा? सिर्फ अच्छे काम करके यहीं सेटल होने का मन करेगा? कितना सुंदर है स्वर्ग लोक। इसके विपरीत एक और लोक है, चलिए चलकर देखते हैं। देखिए, ये है नरक लोक। दिल को दहलाने वाला, शरीर को हिला देने वाला अत्यंत भयंकर लोक। यहाँ दी जाने वाली सजा को देखने के बाद कोई गलती से भी मन में गलत काम करने के बारे में नहीं सोचेगा। हे सृष्टिकर्ता पति देव, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। क्रोधित क्यों हो शारदे? क्रोध नहीं तो क्या करूं? यमराज की पत्नी ने मेरा उपहास उड़ाया। आप चारों मस्तकों को इस्तेमाल करके धर्म, कर्म, पाप और पुण्य को तोल मोल कर जीव जंतुओं के भाग्य को लिख लिख कर वृद्ध हो गए हैं। इसीलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैंने निर्णय ले लिया है, पुण्य करने वाले स्वर्ग में और पाप करने वाले नरक में जा रहे हैं, परंतु यमराज और इंद्रदेव अपनी पत्नियों के साथ आराम से समय व्यतीत कर रहे हैं, और आपके इतना सब कुछ करने के पश्चात भी आपको कोई पूछता तक नहीं है, आपका कोई मंदिर भी नहीं है। सारा त्याग आप ही क्यों करें प्रभु? आप मेरे लिए कुछ समय निकाल कर उन्हें भी कुछ कार्य देंगे तो ही मैं यहाँ रहूंगी। निश्चिंत रहो शारदे, उस यमराज और इंद्रदेव को व्यस्त करना है, इतना ही ना करता हूँ। देखो, मैंने अभी अभी एक विचित्र मानव की सृष्टि की है, वो क्या करता है तुम स्वयं देख लो। ये रहा वो। मैंने पता लगा लिया है बॉस, शहर का सबसे बड़ा डॉन कौन है? मुसद्दी राय, शहर का सबसे बड़ा डॉन। मुसद्दी राय, thank you।
राजू भाई, मेरे इलाके में, मेरी बाउंड्री में, मेरे घर में, मेरे सामने कोई पैर पे पैर रख के बैठ सकता है क्या? नामुमकिन है भाई, अभी उड़ा देता हूँ उसको। रुको रुको, पहले देख लेते हैं ये आदमी अच्छा है बुरा। तुम तो जानते हो ये मुसद्दी राय अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए। लगता है ये किसी मकसद से ही यहाँ पर आया है, क्योंकि वो पूरी गैंग के साथ हथियारों से लैस होकर अंदर घुसा है। मैं आज तक किसी से डरा नहीं, मेरा दूसरा नाम हिम्मत है। जिंदगी में काफी कुछ देख चुका हूँ मैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। नमस्ते सर, क्या बात है सर, क्या स्टाइल है, क्या मिजाज है, क्या पर्सनालिटी है सर आपकी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। बैठो बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी बैठिए ना। हाँ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? सर मुझे भी आपकी तरह डॉन बनना है, डॉन। तुमको किसने बोला कि मैं डॉन हूँ? सर मुसद्दी राय, ये तो डायपर पहनने वाले बच्चे भी जानते हैं कि आप डॉन हो। तुमने मुझे कुछ गलत समझा है। अरे आप डॉन नहीं होते, तो ये काले सनग्लासेस, काला सूट, ऐसी व्यवस्था, सुरक्षा, बॉडीगार्ड्स, काली गाड़ियां क्यों रखते सर? आप एक सच्चे डॉन हो सर। तुमको डॉन का मतलब क्या है ये पता है? मुझे डॉन बनना है सोचकर कोई डॉन नहीं बनता। लोग बनाते हैं डॉन को। लोगों के लिए तुम अच्छा करोगे तो वो तुम्हें इज्जत देंगे। तुम्हारे जैसे कितने नौजवान डॉन बनने के चक्कर में अपनी जान तक गवां बैठे हैं। अब आपसे क्या छुपाऊं सर, मेरा अपना कोई नहीं है, अनाथ पैदा हुआ, सारे काम किए, मैं एक काम से बोर हो जाता हूं सर, इसलिए अलग 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 काम किए, बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन उस पैसे को खर्च करके मजा लूटने में मजा ही नहीं आ रहा है सर। इसीलिए मुझे लगा किसी ने कहा भी, हर लम्हा जीना चाहिए, हर पल में थ्रिल होना चाहिए, वो रोमांच सिर्फ डॉन के काम में ही है, इसीलिए मैंने डॉन बनने का फैसला किया है सर। किसने कहा डॉन के काम में थ्रिल है? सिर्फ टेंशन है उस काम में, सुकून नहीं, शांति नहीं, माँ का बेटा नहीं, पत्नी का पति नहीं, बहन का भाई नहीं, रोमांच उसमें नहीं है। देना और शाल देना जरा, इसको देखो, इसका रंग देखो, देखो रंग इसका, ढंग देखो, वजन देखो, इसकी ताकत देखो, इसमें जो हरा रंग है वो किसान की जान है। पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने के लिए हमने जय हिंदुस्तान संगठन प्रारंभ किया है। इस शॉल के सामने कोई बंदूक नहीं टिकेगी। इस शॉल को घुमाने पर पूरा पार्लियामेंट हिल जाता है, भ्रष्ट नेताओं को नींद नहीं आती, इसमें है रोमांच। सर मुझे दीजिए। वाह, ये आप पे बहुत जचता है सर, पर मुझे डॉन बनना है सर, डॉन नहीं बना तो दिमाग खराब हो जाएगा सर, प्लीज सर। जितना भी समझाओ ये आदमी नहीं समझेगा, तजुर्बे से ही सीखेगा। जरा कार्ड दे, ये कार्ड लो, जिंदा बच गए तो मुझसे आके मिलना। ओके सर, तुम डॉन बन जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। डॉन बनने के बाद ही आपसे मिलूंगा सर। एंजॉय करो, एंजॉय करो। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर मेरे बड़े भाई को पता चल गया तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। ए बाला। यस बॉस। अब इसका क्या करें? गोली से उड़ा दीजिए बॉस। इसको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, इसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं, इसकी गर्दन को खचाखच 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 काट कर इसे कुर्बानी का बकरा बना डालते हैं। खून बहेगा तो 2 घंटे में टे हो जाएगा सर। इसके हाथ पैर काट कर उसके छोटे 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 टुकड़े करके उसमें नमक मिर्ची डालकर मिला दे तो नमक मिर्ची डालने से पहले ही मर जाएगा। नो 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 नो, इसकी दोनों आंखों में चाकू घुसाकर नसों के साथ बाहर निकलकर फेंक दे तो नहीं बॉस, मजा नहीं आएगा।
एक काम करते हैं, इसके आंतड़ियों को निकाल कर उसमें से बोटी, कलेजा, सिरा, पाया सबको अलग अलग करके उसके गले में बांध कर खींच कर मार दे तो। जी जी बॉस, हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। अच्छे तो क्या करें इसका? बॉस ये तो गया, मर गया, आपके डायलॉग से ही मर गया। ओए छोटा डॉन, एक्ट हो। ये किस देश का डॉन है यार? हमारे लाइटर वाले गन और डायलॉग से ही मर गया है को इस गन को। अच्छे काम करके मजे लूटने में बोर होने लगता है, बुरा काम करके मजे लेने में दिल को बुरा लगता है यार। छह, जिंदगी का कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक को छोड़कर मैजिक करना चाहो तो उसमें भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। बॉस, दुबई से अजय डॉन आया हुआ है। काय का डॉन यार, सब फालतू डॉन है। वो असली डॉन है बॉस। असली डॉन है? हाँ। बंदूक शंदूक लाया है क्या? लाया बॉस। मुझे मारने आया क्या? हाँ बॉस। ये हुई ना बात, बहुत मजा आएगा। चलो मजे लूटते हैं, सब तैयार हो जाओ, डॉन के कपड़े पहन लो, ऐश करते हैं, चलो। या चलो। आज तक तेरा चेहरा नहीं देखा, तेरा नाम तक नहीं सुना। कौन है बे तो? कौन है बॉल? 150 रुपए देकर किसी मल्टीप्लेक्स के एसी थिएटर में बैठने वाला मैं फिल्मी डॉन नहीं हूँ बे, असली असली डॉन। इतने आसानी से किसी को नजर नहीं आता हूँ मैं। ए पागल, मेरे भाई को मारा ना, उड़ा दो इन सबको। ये सब तो भाग गए। बॉस, सचमुच इन्होंने ही आपके भाई को मारा है? इसी को सीसीटीवी में। ये क्या है? ये रिमोट है, मैंने इसको दबा दिया तो सारी गाड़ियां प्लेन की तरह हवा में उड़ने लगेंगी। पागल, खुद की गाड़ियों को खुद ने उड़ा दिया, उड़ा दो इसको। शूट 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 शूट, चलाओ गोली। अरे चलाओ गोली, मुंह क्या देख रहे हो, चलाओ गोली, मेरे साथ सब उड़ेंगे। हिम्मत है तो मारो गोली, मारो मारो गोली। ए फट्टू होगी सेना, डॉन मतलब क्या क्या सोच कर आया था मैं? छोटा भाई डायलॉग सुनकर मर जाता है, बड़ा भाई बॉम्ब देख कर घबरा जाता है। मुझे डॉन वन नहीं बनना, तुम बने रहो डॉन। ओके, जीवन दान दिया तुम्हें, देखो बॉम्ब फेंक रहा हूँ तुम्हारे आंखों के सामने, ये देखो। गुड बाय। तुझे जिंदा छोड़ा तो तूने पीछे से गोली चलाई, तेरी तो मौत से डरने वाला ज्यादा दिन जीता है, जो नहीं डरता वो तेरी तरह जल्दी मर जाता है। डायलॉग तो काफी अच्छा बोला, लेकिन बस दिमाग नहीं चलाया। यमराज इज वेटिंग, ए इसको जल्दी भेज दो। क्या है ये सब?
इस तरफ एक दुनिया, उस तरफ एक दुनिया, 3D में दिख रहा है सब। वाह, अच्छा बताओ मुझे उस तरफ जाना होगा या इस तरफ? यमदूतों, इस मनुष्य ने भूलोक में अनेक पुण्य के काम किए हुए हैं, इसीलिए इसको स्वर्गलोक में लेके जाना होगा। साथ ही इसने भूलोक में अनेक पाप भी किए हैं, इसको पहले नरक में जाना होगा। नहीं, नहीं, स्वर्गलोक में लेकर जाना होगा। असंभव, इसको नरक में जाना होगा। असंभव, नरक में जाना होगा। चुप, चुप, छोड़ो यार, तुम क्यों आपस में लड़ते हो? मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। इस तरफ किसी पुराने जमाने की धार्मिक बोरिंग फिल्म दिख रही है, और ये क्या, इधर तो एक कमर्शियल एक्शन फिल्म चल रही है। मैं इसी तरफ एंट्री मारता हूँ। ओके, बाय, सी यू। मानो है इतनी लंबी लाइन है, लगता है पिक्चर ब्लैक में चल रही है, फिर भी मुझे फ्री एंट्री, वीआईपी एंट्री, कोई मुझे छू नहीं रहा है। ओ ए स्पाइडरमैन, बहुत देख लिया बाजू हट पे। बैटमैन, एनाकोंडा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, जा रहे। राजाधिराज, नरकाधीश, सूर्यपुत्र, महिषवाहन आरूढ़, न्यायमूर्ति, धर्माधिकारी, श्री 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 यमराज पधार रहे हैं। जगपाल रवि तनय परिभ्रमण हर प्राण निज मृत्युमय विलय शिव शरण चित्रगुप्त। प्रभु, युगो युगो से हम पाप करने वालों को दंड देते आ रहे हैं, फिर भी भूलोक से आने वाले पापियों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही? हाँ महाप्रभु, इस भूलोक के नर मानव नरक में अनुभव किए हुए कठोर दंड को भूलोक में जाकर पुनर्जन्म लेते ही यमलोक की यातना को भूल जाते हैं। ऐसा क्या? इसे देखिए प्रभु, ये एक चलचित्र निर्देशक और निर्माता है, हमसे संबंधित एक परिहास चित्र बनाकर हमारा घोर अपमान किया है इसने। इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। चित्रगुप्त, अभी तो तुमने कहा कि मनुष्य हमको भूल चुके हैं, इसने हमारे और हमारे अस्तित्व के बारे में लोगों में विश्वास बढ़ाया है। पाप करने वालों को नरक के होने का और उधर के क्रूर दंड का आभास कराया है, लोगों में हमें अविस्मरणीय बनाया है। इसको मान सम्मान के साथ स्वर्ग लोक में भेजो। मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए यमराज, हिंदी सिनेमा का साउथ के रीमेकों से नाश हो रहा है। आप मुझे फिर से भूलोक में भेज देंगे तो मैं वहां पर जाकर अच्छी फिल्में बनाने का प्रयत्न करूंगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यम धर्मराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये कौन प्रवेश कर रहा है? आंखों में फायर, हाथ में वायर, दिखने में वॉरियर। हाँ,
चित्रगुप्त महाप्रभु कौन है ये? सारे पापी कतार में आ रहे हैं पर ये अपनी इच्छा अनुसार घूम रहा है। महाप्रभु इसने 99.99999% पाप और पुण्य समान मात्रा में किए हैं। इसकी आत्मा को हमारे यमलोक के पंडित हों या स्वर्गलोक के पंडित छू भी नहीं सकते। वाह वाह क्या अद्भुत कुर्सी है। डेप्यूटी सीएम की सीट लग रही है। उधर देखो चित्रगुप्त वो हमारे पिताश्री के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा है। यदि वो उस पर बैठ गया तो ये उसका अपराध होगा। चित्रगुप्त कहीं उसे हमारे शब्द सुनाई तो नहीं दिए? सुनाई दिया साफ सुनाई दिया। बैठना मना है बैठने पर गलती होगी ना। प्रभु भूल हो गई इससे एक और पाप हो गया। आराम से बैठ गया दुष्ट मानव। जान कर पाप करने वाले इसको चित्रगुप्त। प्रभु हे कूल डाउन योर ऑनर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो पहले से मर चुका हूँ तुम मेरा और क्या बिगाड़ लोगे? मेरा शरीर ही नहीं है तो मुझे दंड क्या दोगे? मूर्ख शरीर को देने वाले दंड से अधिक आत्मा को देने वाला दंड महाभयंकर होता है। ये तुम्हें अब ज्ञात होगा। देखो मैंने लाइफ के लॉजिक को ढूंढ ढूंढ कर परेशान होकर लॉजिक नाम की किताब को फाड़ कर फेंक कर लॉजिक भूल कर मैजिक को अपनाया है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा क्योंकि तुम तो यम धर्मराज हो न्यायाधीश हो। बस उनके उत्तर दे दो फिर तुम्हें जो करना है करो। ए मूर्ख नीच मानव तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। कितनी अकड़ है तुम में? ये क्या है यार भूलोक पर भी अन्याय अत्याचार डकैती बलात्कार मानहानि करने वालों को उधर के कोर्ट में बोलने का एक मौका मिलता है। पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम कोर्ट जैसे कि इस यमलोक में वो भी न्याय के प्रतिरूप होने वाले इस यम धर्मराज यानी कि द ग्रेट किंग ऑफ हेल द सुप्रीम गॉड। ये मानव तो आपकी प्रशंसा कर रहा है। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? व्हाट इज दिस? पूछो जो कुछ भी पूछना है पूछो। मैंने गलत किया ऐसा कह रहे हो ना? इस एंटायर यूनिवर्स में इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी गलती न करने वाला कोई है? राम ने गलत नहीं किया, कृष्ण ने गलत नहीं किया या उस ब्रह्मा ने कुछ गलत नहीं किया क्या? इतने पापियों की सृष्टि कर उनसे पाप करवाया है क्या ये ब्रह्मा की गलती नहीं है? और शिव अपनी तीसरी आंख खोलकर सबको जला देने के बजाय आराम से कैलाश में बैठे थे ये उनकी गलती नहीं है? असभ्य मानव सर्वशक्तिमान उस भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है उसे उचित रीति से उपयोग न करके ऐसे अहंकार से अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हो तुम मानव। ओहो हम सबको बुद्धि उस भगवान ने दी है तो फिर उसने सबको अच्छी बुद्धि क्यों नहीं दी? दुष्ट बुद्धि भी साथ में क्यों दी? बुद्धि स्वच्छ ही होती है उसको अपने स्वार्थ के लिए और अपने लोभ के लिए उसका अनुचित उपयोग जो करते हो वो पाप है। मतलब मनुष्य पर भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है कोई नियंत्रण नहीं है। मान लिया तुमने कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिशाली है तुमने मान लिया। हे मूर्ख परमात्मा सर्वशक्तिमान है तुम सब उसके सामने तिनके के समान हो। हाँ करेक्ट हाँ तुमने सही माना तुम सूत्रधार हो मैं पात्रधार हूँ। मतलब तुमने जैसी बुद्धि दी मैंने कर्म किए तुमने बुद्धि दी उस कुर्सी पर बैठने की मेरी कोई गलती नहीं सब गलती तुम्हारी है। मानव पाप और पुण्य का ज्ञान हो इसलिए मनुष्य के पास ग्रंथ हैं शास्त्र हैं वेद हैं और पुराण हैं साथ ही साथ माता पिता के अनुभव का ज्ञान भी है। क्या उचित है और क्या अनुचित है जानकर भी अगर तुमने भूल की तो ये तुम्हारी मूर्खता है। क्या सही है और क्या गलत है यही कंफ्यूजन है। एक 80 साल का बूढ़ा रोज बीड़ी फूंकते हुए दारू पीकर आराम से जीता है 20 साल का युवक कोई बुरी आदत न होकर भी हार्ट अटैक से मर जाता है तो हम किसको फॉलो करें? लुच्चे लफंगे गुंडे सब पैसे कमाकर नेता बनकर लाइफ का मजा उठा रहे हैं वहीं बेचारे किसान खेतों में खून पसीना बहाकर मुसीबतों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ सत्य बोलने वाले उस राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को बिकवा कर बेटे को मरवा कर शमशान की रखवाली करवा कर वही नर्क दिखा दिया। हम भी सच बोलकर वही नर्क देखे क्या?
तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मुझे जो दंड दोगे मुझे मंजूर है। उत्तर दो यमराज, उत्तर दो। उत्तर दो, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो सब दैव्य रहस्य है, तुमसे विवाद करने का मेरे पास समय नहीं है। चित्रगुप्त महाप्रभु, क्योंकि इसने पाप और पुण्य समान मात्रा में किए हैं, हाँ। इसलिए इसको 15 दिन नर्क के और 15 दिन स्वर्ग के दर्शन कराओ। पहले नर्क दर्शन होगा। ओनली दर्शन, नो पनिशमेंट, वेरी गुड। सारे पापियों को देखता हुआ आराम से घूमूंगा। चुभाओ इसको और चाबुक मारो, 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 मारते रहो, मारो। देखा मानो, भूलोक में पाप करने वालों को हम ऐसा ही घोर दंड देते हैं यहाँ इस नर्क लोक में लाकर। मारो, अरे, मारो, तो विरपन है ना, हाँ। हाथियों को मारा इसके लिए हाथी के दांत से मार रहे हो, हाँ, हाँ। बहुत लोगों का कत्ल किया इसके लिए कांटों के बिस्तर पर लिटाया, हाँ, हाँ। मैं भी दो हाथ मार लूं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट है तेरी तो। छपक 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 छपक, मन को बहुत आनंद मिला। ये तो बिन लादेन है ना, हाँ। इसको भी एक बार मार लूं क्या? हाँ, हाँ, मारो, ए, मारो, देना, देना, साले बम लगाएगा दुनिया भर में, बहुत बड़ा टेररिस्ट है क्या? मारो साले, मारो, मारो। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, चलो। अरे वो तो हिटलर है ना, हाँ। बहुत बड़ा डिक्टेटर था, हाँ। उसको छोड़ना मत, लाखों लोगों को मारा है उसने, उसके टुकड़े टुकड़े करके एकदम ऐसा कीमा बना डालो उसका। बिल्कुल, इस जगह को देख कर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ यार। अरे हाँ, तुम्हें टॉर्चर के नए तरीके सिखाओ, बहुत बढ़िया है। हाँ बताओ। पार्लियामेंट में ये नेता लोग झगड़ते हैं ना, उसको यहाँ पर बड़े लाउड स्पीकर लगाकर इनको सुना देते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, परंतु 15 दिन तक तुम्हें ये सब देखना है और यही तुम्हारा दंड है, समझे? 15 दिन तक? हाँ। 15 दिन तक इसी कॉस्ट्यूम में रहूंगा क्या? क्या? इन्हीं कपड़ों में रहूंगा क्या? हाँ। ए, वो सब नहीं चलेगा, नए कपड़े मंगवाओ। ए, कपड़े वपड़े यहाँ पर नहीं मिलेंगे। नहीं मंगवाया तो यमराज से तुम्हारी शिकायत करके ये सारे दंड तुम्हें दिलवा दूंगा, इज्जत से मेरे मंगवाता हूँ, मंगवाता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कौन है? उसके बारे में पूछ रहे हो? वो अपनी पत्नी की आंखों से खून का आंसू बहाने वाला मोहन है। ये मोहन है क्या? हाँ, ये खून के आंसू वाला मोहन है क्या? हाँ। वो बेरहम पापी, वो मोहन तुम ही हो? कौन हो यार तुम? 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह देखता था, कौन हो तुम? थक मेरे निकम में बेटे, ना 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 ना, तू मेरे निकम में बाप। मैं तुम्हारा बाप हूँ क्या? यू मैन, आई एम योर डैड। अबे मैं ही तेरा बदनसीब बेटा हूँ। मेरी जानकारी के बिना मुझसे पैदा हो गया तो तू किसी बड़े खिलाड़ी का ही बेटा होगा। लंदन के लियोना के बेटे हो या पेरिस की पॉमेला के बेटा हो या केन्या की कन्या के? अबे ओए विकृत आदमी, कितनी औरतों के साथ अफेयर था। थू, जॉर्डन अंबिका को याद कर, सिंगल होकर जॉर्डन के जंगल में आई थी मेरी माँ। जॉर्डन अंबिका, प्यारी प्यारी अंबिका। मम्मी कैसी है, मर गई है जिंदा है? बूढ़ी हो गई है क्या माय डियर सन? मेरे पैदा होते ही वो मर गई। तेरे जैसे पापी और उसके जैसे पुण्यवती से पैदा होकर न मैं अच्छा बन सका न बुरा, और बीच में त्रिशंकु बनकर घूम रहा हूँ। ना ना माय डियर सन, या तो अच्छे आदमी बनो या बुरे आदमी, बीच में रहोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे तुम। मेरे जैसे? ए, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तुम 1947 के मॉडल हो, मैं 2012 का मॉडल हूँ। छोटी उम्र में ही अच्छा क्या बुरा क्या सीख कर आया हूँ। डायपर डायपर पहनते समय ही समझ गया, इसलिए नीचे से बैलेंस शीट क्लियर करके ऊपर आया हूँ। मैं स्वर्ग और नर्क को देखकर बैलेंस शीट क्लियर कर रहा हूँ, ये पृथ्वी पर कैसे क्लियर कर सकता है बेवकूफ कहीं का। देख लो मानो, यही यही है तुम्हारी रहने की जगह। अरे ये क्या गुरु, मुंबई के ड्रेनेज पाइप से छोटा है ये, मैं यहाँ कैसे रहूंगा? यहाँ सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम का फ्लैट नहीं है क्या? वो सब यहाँ नहीं है, पापियों का निवास स्थान यही है। अरे पर इसके और इसके लिए कहाँ जाते हैं भाई? अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा ना, ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। ओए, बिना खाए पिए लोग जिंदा कैसे रहते हैं? ये लोग जिंदा कहाँ है, मरने के बाद ही तो यहाँ नर्क लोग आए हैं। ओ, मरने के बाद दिखते वैसे ही है पर खाना नहीं है। ओ हे, क्या है? उधर चलो ना यार, एक मिनट। हाँ। ये क्या है, जेल की तरह खिड़की बनाई है यहाँ।
अरे मानव वही तो स्वर्ग लोक है, इन पापियों को यहीं से स्वर्ग लोक देखना पड़ता है। अच्छे काम करने वाले उस स्वर्ग लोक में कितने खुश है ये देखकर इन पापियों को जलन होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का दंड ही है। देखो तुम्हारे वस्त्रों को अंदर रख देता हूँ, तुम भी स्वर्ग लोक देखकर जलकर जल्दी आ जाओ। बेवकूफ, मैं खुद उस स्वर्ग को मना करके आया हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे कोई दंड ना मिले। अवश्य ध्यान रखूंगा। ये तुमने कैसे किया? तुमने जो किया वही तो रिकॉर्ड किया है। पहले से ये लड़की पाप कर्म करके पापी बनकर यहाँ आई है। इस पापी के साथ तुम भी पाप कर्म करके एक बेबी को लाने वाले थे, तुम कोई कम पापी नहीं हो। देखो वो क्या है, बुरी आदतें, आदत से मजबूर। जाने तो मैं समझता हूँ, आखिर मर्द का शरीर है ना, वो छोड़ो। ये क्या है, स्वर्ग है भाई। ये जो हीरोइन की चीख सुनाई दे रही है वो कौन है? ना ना ना, वो चीख नहीं रही है, वो तो गा रही है। उसकी वाणी कोयल से मीठी है, वो अत्यंत लावण्यवती है, सुंदरता की मूरत है। अब मुझे वहाँ जाना है, कैसे जाऊँ? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है तो तुम्हारी रासलीला यमराज को दिखाकर उन्हीं से पूछता हूँ वहाँ जाने का रास्ता। नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा मत कर देना। तुमने ऐसा किया तो मेरी कुर्सी संकट में पड़ जाएगी। तुम्हारी कुर्सी ज्यादा जरूरी है या मेरा वहाँ जाना बेहतर है? जाऊँ या नहीं बता दो। ठीक है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। व्यवस्था तो करनी होगी। मोबाइल महिमा। इस दुष्ट मानव के कर्मों से तो मैं तंग आ गया हूँ। यहाँ तो सिर्फ एक्शन और हॉरर है, ग्लैमर बिल्कुल नहीं है। शह, ये बताओ कि मैं इधर से उधर जाऊंगा कैसे? निश्चित रहो, तीन कदम चलकर हाथ ऊपर उठा देना, वायु में उड़ते चले जाओगे। वाह वाह वाह, 1 2 3। नीचे आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर सुपर। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, किसकी अनुमति से तुम यहाँ आए हो? इतने सारे सवाल है लेकिन जवाब एक ही है, सुपर। ये कैसा शब्द है, ये कौन सी भाषा है, क्या अर्थ है इसका? 36 24 36 अंग्रेजी में, और हिंदी में बोले तो 36 24 36। या कैसी संख्या है, ये कैसे अंक हैं? हाय हॉट बेबी, तुम्हारे इस सुंदर बदन के मेजरमेंट्स कटरीना करीना ऐश्वर्या मडोना मोनालिसा एंजेलिना, इन सबको मिलाकर मिक्सर में डालकर बनाया गया है। तुम हटो, ये आम रस इस लोक में है, पता होता तो भूलोक में पैदा ही नहीं होता, इसी लोक में रहता। भूलोक मतलब कि तुम एक मानव हो। हे, मानवों को तुम इतना मामूली मत समझो, मैं काफी पावरफुल हूँ, यमराज से प्रशंसा पाने वाला धर्म वीर हूँ। अर्थात
तुम यमलोक से आए हो एक पापी हो। ए पापू, पापी क्यों बुला रही हो? लाइफ में बिना कॉफी किए कितने पापियों को साफ करके, कमजोरों को माफ करके, हैप्पी होकर कॉफी पीकर, पुंगी बजाने वालों को अलग अलग किस्म की टोपी पहनाकर, सूफी सॉन्ग सिखाने वाला गोपी बप्पी सिप्पी झप्पी ये उप्पी, गॉट इट? ए मानो, जल्दी करो। ए आ रहा हूँ यार, सिर्फ दो मिनट। तुम्हारा संवाद काव्यमय है किंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें समझ में आने वाली भाषा में बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। I love you. ए छोकरी, not understanding. हमको तुमसे प्यार हो गया है, love. Love? अर्थात? हाँ, love नहीं समझती, प्यार, प्रेम, स्नेह, इश्क, कादल, मोहब्बत। मानव, तेरी तो खून कर दूंगा, चुपचाप खड़ा रहे। मूर्ख मानव, मैं इंद्र की पुत्री इंद्रजा हूँ। इंद्र की पुत्री हुई तो क्या, तुम भी तो लड़की हो ना, तुम्हारी भी शादी हो गई ना। मेरा विवाह केवल देवताओं के साथ ही होगा, तुम जैसे दुष्ट मानव से नहीं। तुम्हारी भाषा में बोलता हूँ, ठीक से सुन लो। अरे इंद्र की पुत्री इंद्रजा, अभी हम जाते हैं, वापस 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 आते हैं। तुम्हारा बाप इंद्र होगा, पर तुम्हारा पति ढिचक्याओ 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 उपेंद्र होगा। मूर्ख महामूर्ख महा महामूर्ख, जल्दी आ। डांग 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 डांग। थैंक यू यार, थैंक यू चित्रगुप्त। मैं और 20 मिनट जाकर आ जाऊं? नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो। रहने तो यार, एक मिनट सुनो, वहाँ 15 दिन और यहाँ 15 दिन बराबर बांटा है ना। हाँ। कुछ 10 दिनों का डिस्काउंट देकर वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं हो सकता। क्या हो ही नहीं सकता, फिर से बोल। ये असंभव है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई इसको अंदर रखो, ये यमराज की आज्ञा है, उस चौखट को लांघना संभव नहीं है, सबको उसका पालन करना ही होगा। मतलब यमराज चाहेंगे तो मैं उधर जा सकता हूँ? आराम से जा सकते हो। बुलवाता हूँ यमराज से ही बुलवाता हूँ। चलो 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 चलो। इतने तुच्छ से एक लोहे के यंत्र को दिखाकर इस पर्वत जैसी देह को हिला रहा है ये। ए चित्रगुप्त, आया। प्रभु, उस मानव के आगमन से आपकी शांति भंग हो गई है, अब आपको मनोरंजन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार मोहन को बुलवाता हूँ, उसके संवादों को सुनकर आप आनंद उठाइए। कितने श्रेष्ठ विचार हैं चित्रगुप्त, बुलवाएं उस मोहन को। जो आ गया है। काले राक्षसो, असुर की औलादो, मैं तो अभी नरक में आया हूँ, तुम जिंदगी भर से यहीं सड़ रहे हो, चुभाते हो। मोहन, प्रभु को मनोरंजन की आवश्यकता है, तुम अपना कोई संवाद सुनाओ। अबे चित्रगुप्त, क्यों पुरानी बातों को याद दिलाकर मेरा दिल जलाता है, मेरी उम्र हो गई है यार, समझा करो। मोहन, तुमको संवाद सुनाना ही होगा, ये महाप्रभु की इच्छा है। ठीक है यार, ठीक है, सुनाता हूँ। तुम्हारी इच्छा लाल रूप रंग को देखकर बदन कांपता है, उत्तेजित हो जाता है और गाल पर अदृश्य तमाचा मारकर मस्तिष्क में काम की भावना उत्पन्न कर रही है। कांता, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। उस उम्र में जीभ में खुजली थी तो डायलॉग पे डायलॉग मार दिया था यार, अब मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा खुजा रहा है। नरक स्वर्ग है, मैं सब नीचे ही देख चुका हूँ, मुझे क्या नरक दिखाओगे बे तुम लोग? मनोरंजन के लिए मैं ही मिला था क्या? कल परसों आया हुआ मेरा बेटा तुम लोगों को डरा धमका के नरक में राजा की तरह घूम रहा है, ये कैसा न्याय है रे, कैसा? क्या कहा? वो नीच मानव तुम्हारा पुत्र है? अरे हाँ, मैं ना जॉर्डन में सिंगल होकर अम्बिका मिली तो उसके साथ मिंगल होकर के सिर्फ एक डुएट सॉन्ग गा दिया था मैंने, ये लड़का पैदा हो गया तो मेरी क्या गलती है मैं? छी छी, ऐसे नीच पुत्र के जन्म के भागीदार तुम हो। मुझे तो पहले से ही शंका थी प्रभु। क्या करूं मैं, इस मिट्टी की किस्मत ही ऐसी है, पेड़ से बीज गिरकर वो अगर रेगिस्तान में भी गिर जाए तो बीज फूटकर झाड़ बनकर पेड़ बनकर फिर बीज गिरना शुरू कर देता है मैं। इसलिए यहाँ हर एक के आधे आधे दर्जन बच्चे हैं, जिसमें आधे पागल है, आधे गोलमाल है, गोलमाल। खुद को बड़ा पवित्र मानने वाले ये इंडिया मंदिरों की
दीवारों पर बनी मूर्तियों से काम सूत्र सीख करके अजंता एलोरा में शिला बालिकाओं के श्रृंगार अंकों को माप को युवाओं के सर में घुसा करके आजकल की लड़कियों को कपड़े में लपेट करके लड़कों की उभरती आशाओं को दबा दबा कर यौवन की बत्ती के बुझने के डर से युवाओं की इच्छाओं में अचानक विस्फोट हो गया और जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है मैन। आई डोंट लाइक इट। तुम्हारी कला को देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ है। पहनो इस रत्न जड़े अंगूठी को। अरे नहीं चाहिए मुझको मैन। अरे पहले से मेरी कई सुंगलियों को चील का हुए खा गए हैं, मैं इसको कहाँ पहनूंगा धर्मराज। नहीं नहीं, मुझसे और डायलॉग नहीं बोले जाते हैं, छोड़ दो मुझको। यमराज की आज्ञा है, उस चौखट को लांघना संभव नहीं है, सबको उसका पालन करना ही होगा। मतलब यमराज चाहे तो मैं वहाँ जा सकता हूँ? आराम से जा सकते हो। इस मानव से तो मैं तंग आ गया हूँ। मानव, क्या कर रहे हो? ये यमराज का सिंहासन है, इस पर तुम बैठे तो जलकर भस्म हो जाओगे, सावधान। अरे रे 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 रे, अकड़ा पकड़ा लकड़ा चकड़ा सकड़ा किसको सुना रहा है? उसके बाप के सिंहासन पर बैठा तो भी कुछ नहीं हुआ, इस पर बैठूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। इस पर बैठ गया तो इसके फेविकॉल के मजबूत जोड़ से कहीं चिपक ना जाओ। डरते हो क्या तुम लोग? है तुम बैठ कर देखो। क्यों चित्रगुप्त, मजा आ रहा है? अरे ये सिंहासन कितना अद्भुत है, पैरों से लेकर मस्तिष्क तक एक विचित्र प्रकार का आनंद हो रहा है। चित्रगुप्त, महाप्रभु, प्रभु प्रभु प्रभु, ये प्रभु प्रभु, युगो युगो से हम जिस पर विराजमान हैं, उस पवित्र सिंहासन पर तुमने बैठने का दुस्साहस किया। आपके चरणों की सौगंध, इस सिंहासन से मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बंद करो अपने मुख को, मेरी आंखों के समक्ष दिखना भी मत, चले जाओ यहाँ से। यमराज की गदा से बच गए तो हजार साल सिंहासन मिलेगा, समझे? नहीं चलो। अरे चलो मेरे साथ। इस मानव के संगत में हमारा चित्रगुप्त भी है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मुझको तुमने उस सिंहासन पर धक्का क्यों दिया? अरे मैंने तो सिर्फ धक्का दिया, तुम तो फेविकॉल की तरह चिपक गए। वही तो मेरी समझ के बाहर है मानव, उस सिंहासन पर बैठते ही पूरे शरीर को चुंबक की तरह उसने आकर्षित कर लिया। जानते हो कैसे लग रहे थे तुम उस कुर्सी पर? एकदम झकास। उस पीएम की कुर्सी पर तुम क्यों नहीं बैठ सकते? असंभव। पृथ्वी पर 5 साल से ज्यादा उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठ सकता, फिर चुनाव कराना पड़ता है। हाँ, सिर्फ इसी लोक में सदियों से वो यमराज है और तुम चित्रगुप्त हो। सोच कर देखो। इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाना ही होगा मानव। हाँ? मुझे इसके लिए क्या करना होगा बताओ। तुमने अपने काम से रिजाइन कर दिया है, इलेक्शन की घोषणा कर दी है, अब तुम्हें अपना पावर दिखाना होगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, अति भयंकर इस यमराज के सामने चित्रगुप्त तो मात्र एक तुक्ष है। यमदूतों, पापियों और नरकवासियों, ये हमारी प्रतिष्ठा है। आने वाले ब्रह्म मुहूर्त में, यम गंड काल में, यम लोक में यमराज के सिंहासन के लिए चुनाव होगा, चुनाव होगा। आपके नगर में चुनाव होगा, आप जिसको चाहे चुन सकते हो। यमराज के पद के लिए चित्रगुप्त खड़े हैं, इनका चिन्ह है दूध देने वाली भैंस। यमराज का चिन्ह मोटा सांड। आपका वोट चित्रगुप्त को, आपका वोट चित्रगुप्त को, आपका वोट के पापों में से 70% पाप घटा दूंगा।
तुम सबके दंड में 50 चाबुक की मार हो तो उसमें केवल एक एक चाबुक की ही मार पड़ेगी। अगर इनको अपना वोट देंगे तो हाथ के लिए सोने की घड़ी, बार, डिस्को क्लब, लाइव बैंड मिलेगा। चित्रगुप्त की, भैंस के चिन्ह की। वो मानव सभी को स्वप्न दिखा रहा है तो मैं क्यों चुपचाप बैठूं? ब्रह्मा, मेनका, उर्वशी, दिमाग तो ठिकाने पे। यमराज ऐसा करके अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अरे हाँ, हाँ। नरक के सारे पापी उसकी तरफ चले गए। अरे मानव, अब क्या करेंगे? यही है ना रंबा उर्वशी मेनका। हाँ। अरे पृथ्वी की रंबा उर्वशी मेनका दिखाता हूँ। रजिस्टर खोल। बॉलीवुड हॉट स्पाइसी गर्ल्स खोल 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 खोल। इन सबको तुरंत ऊपर ले आओ। ओम ह्रीम ह्रूम काचा ताटापा अपमान, घोर अपमान। युगो युगो से यहाँ का इकलौता अधिपति हूँ मैं। इस पूरे यमलोक का राजा धीराज हूँ मैं। और वो दुष्ट मानव चुनाव नाम के नए रिवाज को लाकर हम ही को पराजित कर रहा है। अरे यमराज, कन्याएं थोड़े थोड़े कपड़े पहनकर बैली डांस, डिंगो डांस करेंगी तो सब उसी को वोट देंगे, तुम्हें क्यों देंगे रे? ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मेरे इस बेटे को नियमानुसार 15 दिन स्वर्ग में भेजना था ना, उसको तुरंत भेज दो। अति उत्तम, उचित उपाय है। उसके जाने के बाद ये चित्रगुप्त निकलती हुई हवा के गुब्बारे की तरह फुस करके उड़ जाएगा। चित्रगुप्त। हाँ, वो देखो आ रहे हैं वो दोनों। चित्रगुप्त, तुम मेजोरिटी से जीत रहे हो। यमराज बनते ही ये करना होगा कि बड़ा सा प्रभु। सुनो चित्रगुप्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस मानव ने बहुत सारे पुण्य के कार्य भी किए हैं, इसलिए इसे ले जाकर स्वर्ग लोक में छोड़ा। यमराज, सच बोल रहे हो तुम? अन्याय है, अन्याय है। कल चुनाव है और ऐसे समय में इसका वहाँ स्थानांतरण करना उचित नहीं है। नीच, स्पर्धा मेरे और तुम्हारे बीच है, इसमें इसकी क्या आवश्यकता? करेक्ट यमराज, मैं क्या करूँ बीच में? मैं चलता हूँ दोस्त, थैंक यू। अरे वो मानो, मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे तो बीच दलदल में हाथ छोड़ने के समान है। मेरी बात मानो। ऑलरेडी मैंने एक लड़की को बीच दलदल में छोड़ा है, जाकर उसे पकड़ना होगा। इतना सब कुछ उसी के लिए तो किया। मैं चलता हूँ, बाय बाय। मेरी बात चलो, ए सामान लेकर आ मेरा। चुनाव के बाद भेज देते हैं। चित्रगुप्त, तुमने जो पाप किए हैं पहले उसकी पूछताछ करनी है। पूछताछ? मुझसे? यहाँ होने वाले चुनाव को रद्द किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रभु। ये क्या अन्याय है? शंकर नाग, राजकुमार विष्णुवर्धन, वाह वाह, एक साथ सिनेमा के 3 दिग्गजों से मिलने का भाग्य मिला है मुझे। मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं? कितना सही है, आपके दर्शन हो गए। अब यकीन हुआ कि ये स्वर्ग है। तीनों सुपरस्टार्स को मेरा प्रणाम। आइए आइए, इस ओर से आइए, आ जाइए। मानव, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। थैंक यू बेबी, थैंक यू। आइए, थैंक यू। इस ओर आइए, ये अग्निदेव है। ओह, टू हॉट। ये वरुण देव है। ओ सुनामी।
ये कुबेर है। ओ स्विस बैंक। और ये ओके ओके इनफ इनफ। ओ स्टॉप इट, रुको, स्टॉप इट। क्या है यार ये, क्या है ये? मैं स्वर्ग समझकर आया हूँ, ये स्वर्ग है या नर्क? इज दिस हेवन और हेल? इट्स अ बोरिंग प्लेस यार। नहीं यार, दो दो घंटा मेकअप करके इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आके बैठकर इस तरह के बोरिंग डांस को देखते हो ना, तुम सबको बोर नहीं होता क्या? ओ गॉड। और तुम लोग भी यार, 200-300 साल गुफाओं में बैठकर तपस्या करके स्वर्ग में आकर ये डांस देखते हो तुम लोग? हा? हमारे किसी गांव के टेंट में प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी होते तो रोज ऐसी पिक्चर देख पाते ना यार, 3,000-4,000 रुपए तनख्वाह भी मिलती। हे भगवान। ओए तुम लोग भी ना, मेरे गांव में कोई मर जाता है ना तो इस तरह का म्यूजिक बजाते हैं, डै 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 की तरह। किक चाहिए यार, कम ऑन, फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। अरे चलो उठो ना यार, क्या कर रहे हो? कम ऑन एंजॉय, कम ऑन डांस डांस। अरे आओ आओ ऋषियों, क्या कर रहे हो? फायर इफेक्ट। हेलो मिस्टर वायु, विंड इफेक्ट। हेलो मिस्टर वरुण देव, रेन इफेक्ट। हाय, कैसे हो इंद्र कुमार? कैसे हो? अच्छे हो ना? सही लग रहे हो यार। देखो इसको बोलते हैं स्वर्ग, देखो कैसे एंजॉय कर रहे। देखो तुम भी ना यार, अभी तक पुराने जमाने की तरह वीणा बजाते हुए भरतनाट्यम देखते हो, ऐसे रहने से एकदम मॉडर्न। कौन हो तुम? मैं एक आम मानव हूँ। देखो यार मैं किसी से मिलने आया हूँ, फटाफट चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके बाय। आम मानव, ये सच है या सपना? रोको रोको, ये इंद्र सभा है या? जाओ। आ हे हे, मेरे लिए स्वर्ग है, मेरे लिए नरक है, मेरे लिए है सखी कसम तुम्हारी है। सखी रे, ये यहाँ कैसे, ये यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर सुपर 36, 24, 36 दिखने रहा। अपने कपड़ों को रखकर इस कमरे में सेटल हो रहा है ये पेइंग गेस्ट, तुम्हारे दिल का पेइंग गेस्ट। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मेरा शयन कक्ष है, ये राजकुमारी का महल है। और रहने दो, पर ये भी कोई स्वर्ग है? आते ही झगड़ कर नरक दिखा रही हो मुझे। गो गो, जाकर स्वर्ग लोक के सोमरस का एक पेग लेकर आओ। पैर वैर दबाओ, स्वर्ग का सुख दिखाओ मुझे। लगता है तुम्हें सरल भाषा समझ में नहीं आती है। मैं पिताश्री से इस विषय पर बात करके देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो, तुम वो क्यों रिस्क लेती हो? मैं खुद जाकर तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। मैं यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आया हूँ, समझे ना? अभी बात करता हूँ तुम्हारे बाप से। ओए हटो। शांतम पापम, शांतम पापम। क्या हुआ मुनिवर? शांतम पापम। देवेंद्र, भूलोक से आया हुआ मानव कोई साधारण मानव नहीं है, उसने यमलोक में। क्या? भूलोक से आए हुए उस नर मानव ने यमलोक में जाकर यमराज को ही कष्ट देकर यमराज के सिंहासन पर संकट ले आया। हाँ? इंद्रदेव, आपके सिंहासन को है? इस वज्रायुधधारी इंद्रदेव के सिंहासन को किसका भय है? मिस्टर इंद्र कुमार, मिस्टर इंद्र कुमार, INDRA, INDRA। क्या हुआ मानव, चिंतित क्यों लग रहे हो? ये क्या है बॉस, ये क्या है? क्या हुआ मानव, क्या हुआ? हम पृथ्वी पर अतिथि देवो भव कहते हैं, स्वर्ग लोक में अति की तिथि खत्म हो गई है। ऐसा क्या हो गया मानव? तुमसे डिस्कस करने का टाइम नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बुला, उनसे डिस्कस करके तय कर लेते हैं। मानव, उसकी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हें जो भी चाहिए मैं मना थोड़े ही करूँगा। देना ही पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मैं अच्छे कर्म पुण्य कर्म करके आया हूँ, ऐसे नहीं आया। I have spiritually, mentally, legally, boldly, badly, every right to do whatever I want to do. अवश्य अवश्य। इस अवश्य को तुम रखो, मुझे अपने पसंदीदा लोगों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर आराम से खुशी से घूमना है, तुम्हारी परमिशन चाहिए। अवश्य अवश्य। देखो इस अवश्य से काम नहीं चलेगा, वो कुछ तथास्तु कहने से हो जाता है ना इस लोक में, तथास्तु कहो। नहीं,
तथास्तु तथास्तु। वाह थैंक यू यार, थैंक यू है गुरु। आओ इंद्रजा आओ। ये मानव अति बुद्धिमान है, बहुभाषा चतुर है। देखो मैं इंद्र हूँ, ये उपेंद्र है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके बाय इंद्र कुमार। हाँ हाँ ठीक है जाओ। सत्यभामा रूठ न जाना। अरे यार तुम रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों? तुमने मेरे पिताश्री से अनुमति ले ली है ना, अब तुम ही इस महल में रहो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे यार प्लीज ऐसा मत बोलो, अब से मैं महल की तरफ मुड़कर भी नहीं सोऊंगा, ठीक है? यहीं कहीं स्वर्ग के फुटपाथ पर सो जाऊंगा, पर प्लीज तुम मत रोना, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, क्षमा कर दो। आपकी आंखों में आंसू देखते ही वो मानव पिघल गया राजकुमारी, वो हृदय से अच्छा प्रतीत होता है, दिखने में भी आकर्षक है। परंतु आप उससे इतनी क्रोधित क्यों रहती हैं? क्या आपको वो मानव पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो एक मानव है और मैं देवी हूँ। वो भी अगर देवता होता तो। अरे यार अब रूठ गई वो मुझसे, कैसे अब मिलेगी वो? क्यों मेरे डॉन, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? भैया उस इंद्र की बेटी इंद्रजा से मुझे प्यार हो गया, वो मुझसे रूठ कर चली गई, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, आप ही कोई आइडिया बताइए ना। इसमें मैं क्या आइडिया दे सकता हूँ, तुम तो सब कुछ जानते ही हो भैया। अरे आप तो प्रेम पुजारी हो, कितनी फिल्मों में कितनी हीरोइनों से प्यार किया है, मुझे भी एक आइडिया दे दो प्लीज भैया। ठीक है तो तुम एक काम करो, बताइए सावन कुमार सावन से मिलकर तुम एक गाना लिखवा लो। ठीक है भैया, उनके रोमांटिक गानों को गाकर तुम किसी को भी पटा सकते हो। सावन कुमार सावन ढूंढता हूँ, ठीक है नहीं, उनसे गाना लिखवा कर उसको मैं अपना बना कर रहूंगा। इंद्रजा आई लव यू, यू मस्ट लव मी, प्लीज मेरी खातिर सिर्फ एक बार कह दो आई लव यू। मानव कृपया मुझे क्षमा कर दो, ये संभव नहीं है, मैं देवपुत्री हूँ तुम मानव हो। ओके इंद्रजा ओके, जाओ किसी देवता से विवाह करके सुखी रहो, तुम नहीं मिली तो मेरा जीना मरने के बराबर है, पहले से मैं मरा हुआ, मैं दूसरी बार मरूंगा, दूसरी बार यहाँ मरकर और किस लोक में जाऊंगा पता नहीं, पर वहां भी मरूंगा, तुम्हारे मिलने तक मैं मरता ही रहूंगा, बार बार मरूंगा, चलता हूँ भाई। नहीं मानव नहीं, कृपया मेरा कहना सुनो, एक स्वर्गवासी होकर तुम ऐसा निर्णय मत लो। जब अपने हृदय का मिलन ना हो, बांटने के लिए प्रेम ही ना हो, पूरे मन से जिसको चाहो वो ना मिले, तो ये स्वर्ग भी उस नर्क से कम नहीं है। ओके बाय सी यू। हे मानव अप्सरे मैं यहाँ, देखा मैं कैसे कूद कर भी वापस आ गया। हाँ इसी को लव की पावर कहते हैं, ये स्टंटमैन उल्टा ऊपर कूदते हैं ना, उसी तरह बाउंस होकर ऊपर आया हूँ, ये है प्यार की ताकत। तुम्हें जब मुझसे प्रेम नहीं था तो क्यों उधर से चीखती हुई भागती आई थी, आंखों में आंसू क्यों हैं? इसी को मानवता कहते हैं, ये थोड़ा बढ़ जाए तो करुणा कहते हैं, और थोड़ा बढ़ गया तो अपने आप प्यार हो जाता है। यस बैंक में पैसे रखने पर इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही क्या मानव देवता करती हो, मुझे भी उसी तरह कॉस्ट्यूम पहनाकर सर पर मुकुट रख दो, मैं भी उन्हीं की तरह दिखूंगा, देवताओं को पतलून और शर्ट पहना दो वो भी मनुष्य दिखेंगे, तुम भी मिनी स्कर्ट पहनकर देखो सेक्सी हॉट स्पाइसी ब्यूटीफुल बेब लगोगी। यस इस दुनिया में सिर्फ दो जातियां हैं, एक पुरुष एक स्त्री, उन दोनों के बीच सिर्फ एक आकर्षण है, वो प्यार नाम का एडिक्शन है। देखो अब मैं यहाँ टच करूंगा, देखो कैसा लगता है। इसी को कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के मिलने पर बल्ब का चलना, हाथ से हाथ मिले तो दिल पिघलेगा, नयन से नयन मिल जाए तो दिमाग बाजू हटेगा, बदन से बदन मिल जाए तो प्रेम का अमृत उबल कर बहेगा, होठ से होठ मिल जाए तो मोतियों का सागर बहेगा। और ये चमकता हुआ मेरा वज्र तुम्हारे मस्तिष्क को गेंद की तरह लुढ़का देगा। हे नीच मानव, मेरी ही पुत्री को बहला रहा है, इतना दुस्साहस है तुझमें? बॉस लव प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत बॉस। हाँ पिताश्री, इस मानव से मुझे भी प्रेम है। शांतम पापम शांतम पापम, तुम राजी हो गए तो शांता पापा दोनों को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा बॉस। दूतों इस मानव को हटाओ यहाँ से। मत
तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा इंद्रजा, नहीं जी पाऊंगा, छोड़ दो मुझे इंद्रजा, इंद्रजा। ए, 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 ए। मानव तुम यहाँ से चले जाओ। ओए देवलोक में रहने वाले विलनों, स्वर्ग के दरवाजे से बाहर फेंक दोगे तो मैं वापस अंदर नहीं आऊंगा क्या? बिल गेट्स के जमाने का हूँ, विंडोज से फिर री एंट्री करूंगा मैं। हाँ क्या हुआ तुम लोगों को? अंदर आते समय फूल डाला, बाहर जाते समय भी डालो, मैं वापस आने वाला हूँ। डालो और ज्यादा डालो। ए हॉट बेबी, इस स्वर्ग में खिड़कियां कहाँ हैं? रहने दो मैं ढूंढ लूंगा, मैं एक खिड़की नहीं ढूंढ पाऊंगा क्या? ये कैसी विचित्र परीक्षा है, एक नीच मानव द्वारा हमारी ये दुर्गति। प्रेम स्नेह के जाल में हमारी पुत्री को फंसा कर हमसे अनुचित कार्य करवा कर हमारे ही पद को छीनना चाहता है वो। सत्य है, वो अवश्य ही विश्वामित्र के कुल का ही होगा, इसीलिए उसने आपके सिंहासन पर दृष्टि डाली है। इसका तो केवल एक ही परिहार है। क्या है वो? अति शीघ्र इंद्रजा के स्वयंवर की व्यवस्था करके उसका विवाह करा दें, तब आपका कोई दोष भी नहीं होगा और आपके पद को हानि भी नहीं होगी। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही सुंदर उपाय है। इंद्रजा, I love you. देखो एक काम करते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले। कर मत जाओ मानव। डोंट वरी इंद्रजा, मैं स्वर्ग के बॉर्डर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपने कपड़े वगैरह लेकर सबसे छुपकर वहां पर आ जाओ, वहां से डायरेक्ट कूदकर हम पृथ्वी पर जाएंगे। मैं तुमको वहीं स्वर्ग दिखाऊंगा इंद्रजा। देव देवताओं के इस पुण्य पवित्र क्षेत्र अमरावती के इस अमर सभा में इंद्र पुरंदर महेंद्र देवेंद्र नामों वाला मैं यह घोषणा करता हूं, वसंत ऋतु के वैशाख माह शुक्ल पक्ष और पंचमी के शुभ पर्व काल में हरिद्रा कुमकुम से सुशोभित मेरी प्रिय पुत्री इंद्रजा के स्वयंवर महोत्सव के शुभ मंगल कार्य में अग्नि वायु वरुण कुबेर अष्ट दिशादिपालों को गंधर्व यक्ष किन्नर और यहाँ उपस्थित सर्व महापुरुषों को अपने सुपुत्रों के साथ पधारने हेतु आदर पूर्वक भावना से निमंत्रित करता हूँ। क्या यार ये सच है सपना? चिमटी काट कर देख लेता हूँ। आहा सच है, इंद्र की बेटी मुझसे प्यार करती है। लॉजिक नहीं मिल रहा पर मैजिक अच्छा है। लॉजिक गया तेल लेने, मैजिक ओके। ओ दुष्ट मानव, मेरी इंद्रजा की प्रतीक्षा कर रहा है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे स्वप्न की रानी हमेशा मेरी ही रहेगी। मूर्ख मानव, उसको मैंने ही यहाँ आने से रोका है और उसे स्वयंवर में भेज कर आ रहा हूँ। अबे कपटी बेईमान धोखेबाज, इस स्वर्ग में भी डॉन डाकू खलनायक और गुंडे हैं क्या? मित्रों, इंद्रजा से विवाह करने मैं स्वयं स्वयंवर में जा रहा हूँ, ये दुष्ट मानव वहाँ नहीं आना चाहिए।
ये स्वर्ग है या नर्क है? उस भूलोक में प्यार इश्क का वैल्यू नहीं है सोचा था, इस इंद्रलोक में स्वर्गलोक में भी नहीं है क्या? प्यार मोहब्बत सब किताबी बात है या साबित हो गया? इस इंद्रलोक में भी साबित हो गया। मैं सेंटर जाऊंगा, हाईकमान के पास जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बुलाओ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, आज फैसला हो जाने दो मेरे प्यार का। प्यार के तरफ से बहस करने के लिए बॉलीवुड से यश चोपड़ा जी को बुलवाता हूँ। इंद्रलोक सही है या प्रेम लोक, फैसला हो जाएगा, बुलाओ। अरे ओ दुष्ट मानव, व्यर्थ की बातें करना बंद कर। मनुष्य जन्म में तूने कुछ पुण्य के कार्य किए हैं, उसके फल के रूप में तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला है, परंतु इस देवेंद्र की पुत्री इंद्रजा से प्रीत करने के योग्य तू कदापि नहीं है, इतना समझ ले तू। अरे वारे मेरे लकड़ा चकड़ा पकड़ा तकड़ा, ये मत समझो कि तुम्हारा फ्लैशबैक मैं नहीं जानता। विश्वामित्र भी तो मानव ही था ना, उसने तुम्हारी कुर्सी पर नजर डाली केवल इसीलिए अप्सरा को यहाँ से नीचे उसके पास भेजकर, उसे बहलाकर, उसके रेगिस्तान जैसे मन में प्यार का बीज जब बोया तब ये नहीं सोचा। हेलो INDRA, अहल्या को पटाने के समय तो तुमने ये नहीं सोचा? मानव देवता का नाटक किया तो पूरा इतिहास खोल कर रखूंगा। इसी तरह एक कुर्सी मेरे लिए भी डलवाओ। आई एम ऑल्सो एलिजिबल बैचलर। इंद्रजा को डिसाइड करने दो, ये रियल स्टार चाहिए या वो ड्रामा स्टार। डर गए क्या? भय है? वज्रायुधधारी समरेंद्र को भय है? कौन है वहाँ? इस नर मानव को भी एक आसन दो, देखते हैं ये क्या करता है। बारे मेरे प्यारे बुलबुल बुलबुल इंद्र कुमार। माय डियर स्वीट हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। इतिहास में रोमियो जूलियट लैला मजनू के नाम मिटाकर, वहां आप मानव क्लास अप्सरा का नाम लिखवाकर, तुम्हारे बाप इंद्र के चेहरे से पसीने को साफ करके हम दोनों सिडनी में जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम्हारे लिए आई लव यू को संस्कृत में बोलना सिखाऊं मैं? त्वयि स्निहामि। Wish you all bad luck. सामान्य मानव से विवाह असंभव है। इंद्रजा, भूलवश गिरे उस हार को उस मानव के गले से निकालकर अपनी इच्छा अनुसार अग्नि वायु वरुण कुबेर पुत्रों में से किसी को पहनाकर त्रिलोक में साबित कर दो कि तुम मेरी पुत्री हो। पापी नर मानव, मेरी कर्कश और कठोर रस्सी भयंकर हो गई ये जानकर भयभीत होकर भागा था वो कायर। इंद्र की पुत्री को बहला फुसला कर इंद्र के पद पर ही दृष्टि डालने वाले तुमको मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। ए नीच मानव, प्रचंड तुच्छ निरर्थक नर मानव, तुम्हें 15 दिनों के लिए यहाँ स्वर्ग भेजा, तो अपनी बुद्धिमता से इंद्र की पुत्री से विवाह किया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें यहाँ से बलपूर्वक खींचते हुए तुम्हारे अहंकारी खाल को उतार कर
उबलते हुए तेल में तुम्हें डाल दूंगा। ए, रुको रुको रुको, मुझे क्यों डांट रहे हो? सच में देखा जाए तो गलती तुमने की है, मैंने नहीं। तुमने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे उधर से इधर भेजा है। ये इंद्र यहाँ कुर्सी बचाने के लिए इतना सब नाटक कर रहा है। प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही जीवन है, समझने वाला मैं सही हूँ या द्वेष घृणा से भरपूर मुझे संस्कृत में गाली देने वाले आप सही हो, ये फैसला हो जाए। बुलाओ त्रिमूर्तियों को। तुच्छ मानव, तुम्हारे बुलाने से त्रिमूर्तियों को यहाँ आना होगा। मूर्ख, तुमको कीड़े की तरह अपने कदमों तले डालकर कुचल दूंगा। हे यम धर्मराज, इतने देव देवताओं के समक्ष मैंने इनको मन से अपना कर पति के रूप में जिस स्वयंवर में स्वीकार किया है उसको मान्यता न देकर इस सभा में मेरे समक्ष इस तरह निंदा करना उचित है क्या? पुत्री, इस मानव के बारे में तुम्हें कुछ स्मरण नहीं। स्नेह, प्रेम, इस तरह के शब्दों से तुम्हें बहलाकर छल रहा है। स्वर्ग के अधिपति तुम्हारे पिता को ये संकट में डाल रहा है। भूलोक में इसने जो पाप किया है तुम वो अगर देखोगी तो। हेलो यमो यमहा, मैंने कुछ अच्छे कर्म भी किए, पुण्य भी किए, जान लो। हे नीच मानव। हे नरकाधीश, मेरे स्वच्छ पतिव्रता मन पर करुणा की वर्षा करें। सारे जगत की सृष्टि करता वो ब्रह्म देव सबके पिता समान है। संतानों की हर भूल की वो स्वयं आकर परीक्षा करें। वो जो कुछ भी निर्णय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। ब्रह्म देव। सर्वे जना सुखीनो भवन्तु। अपनी इच्छा अनुसार इस मानव को इंद्रजा ने स्वयं स्वीकार किया है, अतः इसका एक ही समाधान है। इस मानव का इंद्रलोक और यमलोक में रहने के योग्य न होने के कारण इसको पुनः पृथ्वी पर भेजा जाए। इसने पाप किया तो नरक में, पाप न किया तो स्वर्ग में लेकर जाओ। पर ब्रह्मदेव, इसको पृथ्वी पर भेजेंगे तो पाप और पुण्य समान मात्रा में करके हम ही को समस्या में डाल देगा। मैं कहानी समझ गया। नीचे जाने के बाद मैं सिर्फ सही करूंगा, पाप बिल्कुल नहीं करूंगा। ए, तुम पाप नहीं करोगे तो भी हम तुमसे पाप करवाएंगे। इनके साथ मैं भी भूलोक जाऊंगी। मेरे पतिदेव कोई पाप ना करें इसका पूरा ध्यान रखूंगी। इंद्रजा, ये मानव पृथ्वी पर कदम रखते ही यहाँ जो कुछ हुआ वो भूल जाएगा। अपनी शक्ति से इसको तीन बार पाप करने से रोक दिया तो तुम्हारे गले का रक्षा सूत्र टूट जाएगा। तब तुम एक सामान्य मनुष्य बन जाओगी। यम, तुमने भी इस मानव के हाथों तीन पाप करवा दिए तो तुम्हारा रक्षा सूत्र टूट जाएगा और तुम यमराज के पद को गवा बैठोगे। एक और बात, पृथ्वी पर तुम्हारे सच्चे रूप को देख लिया गया तो इस मानव को यहाँ घटी बातों का स्मरण हो जाएगा। शुभमस्तु। नरकाधीश, आप तो भूलोक जाने को सिद्ध हो गए हैं, परंतु इस यमपुरी और सिंहासन के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए एक समर्थशाली को आप स्वयं नियुक्त करके जाते तो उचित होता, ये मेरा अभिप्राय है। सत्य है चित्रगुप्त, तुम्हारे शब्दों का अर्थ है इस लोक का अल्पकालिक यमराज तुम। मैं? तुम हमारे साथ चलोगे। भूलोक को? सही कहा। तो फिर इस लोक में? इस लोक का अल्पकालिक यमराज अपना मोहन होगा। क्या? वो कुष्ठ रोगी मोहन इस नरक लोक का अधिपति? चित्रगुप्त जी, अब वो कुष्ठ रोगी नहीं रहा। अब अगर तुम उसे देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। यातना भुगतने आया हुआ ये मोहन अब नरकाधीश है। अब देखोगे कि ये मोहन क्या करता है, दिखाता हूँ। ओ मेरे दूत आओ। I like it।
शुभेंद्र जिस अवतार में अंदर गया है वो अवश्य कोई ना कोई पाप करके ही रहेगा। बॉस उपेंद्र मना नहीं है। बॉस अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने अपने हाथों से उसे शूट करके मारा था। नहीं बॉस वो मेरे सामने खड़ा है। हे कुत्ते, डॉन को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं मरा नहीं बे, मैं जिंदा हूं। जिंदगी के बारे में मैंने कितनी अच्छी सलाह दी थी, तुझे जान की भीख दी थी, पर तूने मुझ पर पीछे से वार किया था ना। ये गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक गोली तेरा भी इंतजार कर रही है, पर मैं तेरे जैसा कायर नहीं हूं बे। पीछे से वार नहीं करता, सामने से करता हूं। हिम्मत है तो सामने आकर। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। आपको नदी में फेंक दिया था, आपको हर जगह ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। बॉस इतने दिन तक आप कहां थे? बॉस उसका मुझे पीछे से गोली मारना याद है, अब नदी से उठकर आना भी याद है। दुबई से मेरे लिए आ रहा है वो, आने दो। अब से देखो कितना मजा आता है। ए, घर की तरफ घुमाओ गाड़ी। यस बॉस। चित्रगुप्त प्रभु, वो उपेंद्र का शत्रु है ना? जी हाँ महाप्रभु। हत्या, डकैती, देशद्रोह और हजारों अपराधों का कारण होकर भी इस मानव को हमारे यमलोक में ले जाकर घोर कठोर दंड देने के बजाय मोहन वहां क्या कर रहा होगा? जाओ जाकर देखाओ। जो आज्ञा महाप्रभु। चुभाओ और चुभाओ, दंडित करो इसे। हाँ चुभाओ, चुभाओ। डिंबका, इस तरह दंड देने का कारण क्या है? इसने बाल्यावस्था में एक लेखनी चुराई थी, इसीलिए यह दंड दिया जा रहा है। एक छोटी सी लेखनी को चुराने के लिए इतना कठोर दंड? ये दंड किसने दिया? हमारे यमराज जी ने, उन्हीं की आज्ञा से यह दंड दिया जा रहा है। ए, दुष्ट कुरूपी मोहन, कहाँ हो तुम? अरे ओ मेरे चंड प्रचंड प्रखंड अखंड विराट रूप के समक्ष तू तुच्छ निरर्थक नीच नर मानव, जुबान को लगाम दो मानव। यमराज के इन तीक्ष्ण नयनों में आक्रोश है, शरीर में आवेश है, हाथों में रस्सी है। मेरे समक्ष तुम्हारा जो ये वेश है, अब फिलहाल इस देश का मैं हूँ नरेश, यही है विशेष। सदा तुम पर चला दूंगा तो तू होगा निशेष। बुलाओ मुझे धर्मराज। जो आज्ञा महाप्रभु।
इसने बाल्यावस्था में एक छोटी सी लेखनी चुराई थी और उस पाप के लिए इससे एक नुकीले अस्त्र से एक बार चुभाना पर्याप्त दंड होता। ऐसे में इस छोटे से पाप के लिए इतना कठोर दंड महाप्रभु? चित्रकूट, छोटा सा, बहुत छोटा पाप है ना? छोटा सा छेद बड़े से जहाज को डुबो सकता है, छोटी सी चींटी एक हाथी को मार कर गिरा सकती है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला के भस्म कर सकती है, छोटा सा बम फटने से देश का सर्वनाश हो जाता है, छोटे से वायरस से बड़ा कंप्यूटर खराब हो जाता है, छोटे से बैक्टीरिया से मनुष्य का विशाल शरीर रोग से ग्रस्त होकर समाप्त हो जाता है, छोटी सी बात से परिवार टूट जाता है, छोटी सी जमीन का घोटाला बड़े से बड़े नेता को जेल की हवा खिला सकता है, जानते हो ना? छोटा सा बोल बोल करके हम और तुम छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करके देश की छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे घरों में रहने वाले छोटे छोटे मतदाता छोटे छोटे वोट के लिए छोटी सी रकम देकर उसको छोटी सी गलती समझकर बड़े बड़े गुंडों को कुर्सी पर बिठाकर बड़े बड़े घोटालों का कारण बन जाते हैं, ये जानते हो ना चित्रगुप्त? हाँ, इन छोटे छोटे पापों से ही बड़े बड़े पापों का द्वार खुलता है, जानते नहीं हो क्या? इन छोटी छोटी गलतियों से न डरने वाले आगे जाकर बड़ी बड़ी गलतियां करने से भी नहीं डरते, ये नहीं जानते तुम? ध्यान से सुनो, छोटे पापों को पनप नहीं काट देना चाहिए, जो पौधे रहते ना झुके वो पेड़ बनकर झुक जाएंगे क्या चित्रगुप्त? हाँ, मैं जितने दिन तक इस नरक का नरकाधीश हूँ, छोटे पाप करने वालों को अति घोरता अति कठोरता अति उग्रता से दंड देकर बड़े पाप करने वालों को स्वर्ग लोक में देव लोक में भेज दूंगा। हाँ, जानते हो क्यों? बड़े बड़े पाप करने वाले बिन लादेन, इदी अमीन, हिटलर, वीरप्पन जैसे लोगों की सृष्टि करने वाला वो परम ब्रह्मा उस देव लोक में ही आनंद से रहता है ना? कुरुक्षेत्र के युद्ध को कराने वाला श्री कृष्ण भी उसी स्वर्ग लोक में रहता है ना? बड़े बड़े बहुत बड़े पाप करके इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने वाले स्वर्ग में ही तो पाए जाते हैं चित्रगुप्त। अलेक्जेंडर विश्व को जीतने के चक्कर में लाखों लोगों की हत्या करके राज्यों राष्ट्रों को लूट कर आज बच्चों के इतिहास की पुस्तक में प्रेरणाप्रद अध्याय बन गया, जानते नहीं हो क्या चित्रगुप्त? इसीलिए कहता हूँ सुनो, सारे ध्यान से सुन लो, यदि तुम लोग गलती करोगे तो अलेक्जेंडर की तरह आइंस्टाइन की तरह बड़ी बड़ी गलतियां करो तो मैं स्वर्ग लोक देव लोक में भेज दूंगा। कायरों की तरह यदि तुमने सोचा कि छोटे पाप करने से चल जाएगा, छोटी छोटी गलती करके झूठ बोला तो, दूसरों का मजाक उड़ाया तो, स्कूल कॉलेज में कॉपी किया तो, छोटे छोटे मनोरंजन के लिए लड़कियों को अगर तुमने छेड़ा तो, दूसरों की स्त्रियों को नजर उठाकर देखा, छोटे से मजे के लिए रैगिंग की या छोटे से गुस्से से किसी को थप्पड़ मारा तो, अपने आप को हीरो समझकर लफंगा बनकर घूमोगे तो, दूसरों को तकलीफ दोगे तो, छोटे छोटे कष्ट सास बहू को या बहू सास को देगी तो, पब्लिसिटी पॉपुलरिटी और टीआरपी रेटिंग्स के लिए बड़े बड़े झूठ को पेपर या टीवी के माध्यम से बोलोगे तो, तुम सबके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खाल को छील करके उन सबको साथ में मिलाकर पीस पीस कर और उसके बाद उसमें नमक मिर्च डालकर हमारे राक्षस गण को चटपटे स्वाद के लिए अचार बनाकर खिला दूंगा। सावधान सावधान होशियार। महाराज की जय हो। चित्रगुप्त बताओ वो वहाँ क्या कर रहा है? अब क्या बताऊँ महाप्रभु, बड़े बड़े अपराध करने वालों को दंड ना देकर ऐसे ही छोड़कर छोटे छोटे पाप करने वालों को कठोर से कठोर दंड दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो पूछने पर, छोटे 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 पाप ही कल बड़े 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 पाप बनेंगे कहकर इतना लंबा भाषण दे दिया मुझे। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यमलोक में पापियों की संख्या बढ़ जाएगी और इस पृथ्वी लोक पर कोई मनुष्य ही नहीं बचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ महाप्रभु। चित्रगुप्त प्रभु, शीघ्र ही उपेंद्र के हाथों पाप करवा कर उसे यमलोक ले जाना होगा। बॉस, उसके शहर में जितने भी बार हैं, ये उसमें से एक है बॉस। वो यहाँ पे जरूर आता है बॉस। वो जैसे ही यहाँ आएगा हम उस पर खबर बोल देंगे। तुम पक्का जानते हो वो यही आएगा? 101% बॉस। ओ यस, आ गया। एक बार पाप करने के बाद बड़ी भूल या छोटी भूल? ये क्या फुसफुसा रहे हो प्रभु? आशा करना अनुचित है क्या? आशा करना उचित है। हाँ, पर दूसरों के वस्तु की आशा करना अनुचित है। अगर ये धूर्त मानव पर स्त्री को देखकर आकर्षित होकर मोहित हो गया तो उसने पाप किया है मानकर हम इसे यमलोक ले जा सकते हैं। निश्चिंत रहो चित्रगुप्त, उससे वो सारे कार्य मैं स्वयं करवाऊंगा। कैसे प्रभु? खड़े हो जाओ। मैं
प्रभु ये क्या किया आपने? मेरा नया अवतार? तुम उस धूर्त मानव के पास जाकर उसे आकर्षित करके उससे पाप करवाओगे, उसके पश्चात उसे मैं यमलोक में ले जाकर। ये क्या प्रभु, वो मेरे साथ पाप करेगा? प्रभु आपने ऐसा किया तो आपका एक रक्षा सूत्र समाप्त हो जाएगा प्रभु। एक रक्षा सूत्र गया तो क्या, मेरे पास और दो रक्षा सूत्र हैं, उसी से मैं अपने लोक में चला जाऊंगा। इंद्रजा, पिताश्री, पिताश्री, ये क्या है पुत्री, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें स्मरण भी है, यदि तुम उस मानव से मिल गई तो जीवन भर के लिए एक मानव बनकर इस भूलोक में रहना पड़ जाएगा। नहीं पुत्री, नहीं, ऐसी भूल कदाप मत करना। सभी देव देवताओं के समक्ष उन्हें मन से अपना कर उनसे विवाह करने के बाद वही मेरे सर्वस्व हुए ना। अपने पति को प्रेम से मिलना पत्नी के लिए अपराध होता है क्या? इंद्रजा, ऐसा नहीं है पुत्री, तुम उस मानव को पाप से बचाने के लिए ऐसा कह रही हो, इससे तुम अपने दैवी अस्तित्व को सर्वदा के लिए गंवा दोगी। मेरे प्रियतम के लिए, मेरे सर्वस्व होने वाले पति देव के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। पिताश्री कृपया मुझे रोकिए मत। पुत्री हमारी बात तो सुनो। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, पर हमेशा प्रेम अमृत के स्वर्ग में ही रहेंगे ना। पिताश्री कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। पुत्री तुम्हारे प्रेम के समक्ष ये इंद्र पराजित हुआ, तथास्तु, सब तुम्हारी इच्छा अनुसार हो। शुभमस्तु। इंद्रजा, मानव, चित्रगुप्त, वो धूर्त मानव इंद्रजा के साथ, हाँ, उस इंद्र के अपनी पुत्री से इस धरती पर मिलने से सब कुछ भुला चुके उस नीच मानव को, जैसे उस परब्रह्मा ने कहा था, सब कुछ याद आ गया। क्या? उसे सब कुछ याद आ गया? हाँ,
उसको अब हमारे लोक में वापस कैसे ले जाएंगे? अब तो वो कोई पाप नहीं करेगा। पाप करवाऊंगा, मैं उसे पाप करने के लिए प्रेरित करूंगा। नहीं प्रभु, आप पहले ही एक रक्षा सूत्र गंवा चुके हैं, दूसरी भूल करके एक और रक्षा सूत्र मत गंवाइए। दूसरा रक्षा सूत्र गया तो भी चिंता नहीं, तीसरा रक्षा सूत्र तो है ना, उसी से मैं यमलोक में जाऊंगा। तो फिर अब आप करेंगे क्या? उधर देखो, उपेंद्र को मारने के लिए खलनायक आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है। तुम जानते हो यहाँ उपेंद्र इंद्रजा के साथ आनंद उठा रहा है। ओहो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब मैं उपेंद्र को खलनायक बनाकर उस खलनायक को उपेंद्र में बदल दूंगा। अर्थात इसको उसके रूप में, उसको इसके रूप में बदल देंगे, इससे क्या होगा? अब उसका क्या क्या होने वाला है ये तुम स्वयं ही देख लो। ए, चलो। इंद्रजा, ऐसे क्या देख रही हो? आप कौन हैं? मैं उपेंद्र हूँ। प्रेमिका को मारूंगा। ये लो, उसको पकड़ कर कुत्ते की तरह मार डालो। चलो। क्या बोल रहे हो तुम? चल। छोड़ो मुझे। अरे चल। यमधर महाराज, प्लीज इस नाटक को रोक दो। मुझ पर गुस्सा हो तो मुझे कोई भी दंड दे दो, इंद्रजा पर ये जुल्म क्यों? प्लीज इन सबको रोक दो। रोक दूंगा, परंतु तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मानो। मानूंगा, जो कहोगे मानूंगा मैं। असली अवतार में लौटते ही उस मनुष्य को मारकर पाप करके तुम्हें मेरे साथ नरक में आना होगा। मानो। ओके ओके, ठीक है, आऊंगा। मुझे मेरे रूप में लौटा दो।
थैंक यू यमराज। बहुत खूबसूरत हो। ब्यूटीफुल आइज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने दो मुझे। मार डालो। चलो इंद्र सर, चलो। तुम यहीं रुकना। वचन दिया है, मारो उसे। चलो जाओ यहां से। तुमने बोला नहीं होता तो मार देता, अब नहीं मारूंगा। जावे। मैंने कहा था ना महाप्रभु, इसको इसका अपना असली रूप वापस मिलते ही ये हमें अपना विश्व रूप दिखा देगा। नहीं यमराज, मैं वचन तोड़ रहा हूँ तो इस डर से नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ नर्क चलना होगा। तो फिर क्यों? तुम्हारे लिए यमराज। क्या मेरे लिए? हाँ यमराज, अब कहीं मैंने इसे मार दिया तो वो तुम्हारे आदेश से मारने जैसा होगा, वो पाप तुम्हारा होगा। ऐसा पाप करने को मैं तैयार नहीं हूँ। सच बोलूं तो मैं इसे मारने वाला था, पर तुम्हारे मारने को बोलते ही मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारा कंकण गंवाकर यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं यमराज। तुम यम धर्मराज हो, देवता मनुष्य हो, तुम्हें उस लोक में रहकर उस सिंहासन पर बैठकर राज करना है यमराज, यही मेरी इच्छा है। पापियों को दंड देना होगा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैं पाप नहीं करूंगा, मैं खुद एक पाप करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे जो चाहे दंड दे देना। क्या दंड? क्या पाप करोगे तुम? मुझसे प्रेम करने वाली वो इंद्रजा अब मेरी पत्नी है, मुझे उसको न्याय अनुसार मेरे साथ रखना चाहिए। मैं उसके साथ नहीं जीऊंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। प्यार करने वाली से विश्वासघात करूंगा। प्यार में धोखा देने से बढ़कर और कोई पाप होता है क्या? ये सब क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? मेरे लाइफ में लॉजिक नहीं है, मैजिक चाहिए, रोमांच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करके पागलों की तरह घूम रहा था। पर जब इस दिल को प्यार का अनुभव हुआ ना, तो लॉजिक, मैजिक, रोमांच, मजा सब मिल गया। देखो, प्यार के लिए ये देवी स्वर्ग लोक छोड़कर इस मनुष्य के साथ, इस नीच मानव के साथ जीने के लिए आई है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझको यम धर्मराज? इस दिल के लिए इतना बहुत है। ऐसी अप्सरा का इस नीच मानव के साथ इस पृथ्वी पर जीना मुझे पसंद नहीं। प्लीज उसको वहीं ले जाओ, उसको स्वर्ग लोक में ही रहना चाहिए।
इसी को मेरा सबसे बड़ा पाप है मानकर मुझे नर्क में ले जाओ। मुझे जो दंड देना है दो यमराज। अति उत्तम मानव, यमराज को जीतने वाला मानव, तुम दोनों के सच्चे प्रेम के समक्ष हम पराजित हुए। तुम दोनों यही इस भूलोक में रहकर स्वर्ग के सुख की अनुभूति प्राप्त करो, यही हमारा आशीर्वाद है। मेरे प्रस्थान का समय हो गया, चलो चित्रगुप्त जी प्रभु अपने लोक वापस लौट चलो। जी चलिए। क्या इंद्रजी, मुझे फिर कंफ्यूजन हो रहा है, ये लॉजिक है या मैजिक का?